गोरखपुर की एसओजी व स्वाट टीम ने मुठभेड़ में दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। दोनों अभियुक्त हुए घायल, मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज। एसपी साउथ ने कहा, दोनों की स्थिति है सामान्य। भारतीय युवक संघ की ओर से शहीद रविंद्र सिंह की स्मृति में रविवार को प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। 3000 छात्र व छात्राओं ने प्रतियोगिता में लिया भाग। प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को किया जाएगा सम्मानित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में 19 हेल्थ एटीएम का किया लोकार्पण। 500 टीबी रोगियों को पोषण पोटली, 500 बालिकाओं को हाइजीन किट का किया वितरण। कहा, नव वर्ष पर सभी नागरिक रखें साफ सफाई। जनपद के द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के समापन पर एनएक्सी भवन के सभागार में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने सड़क सुरक्षा पखवाड़ा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। कहा, दोपहिया वाहन चलाते समय जरूर लगाएं हेलमेट। सपा के महानगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में लोकबंधु राजनारायण की 37वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। उनके पदचिन्हों पर चलने का लिया संकल्प।